बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान का रिश्ता तब और बढ़ गया जब उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार पर बहुत बड़ा क्रश होने की बात की। जबकि हाल ही में करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में करण ने उनके रिश्ते में होने की पुष्टि की थी और बाद में वो अलग हो गए ये भी बताया। हालांकि फैंस उन्हें एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड है, वो साथ काफी सुंदर लगते हैं। जबकि उनके अलग होने से कई लोगों के दिल टूट गए और अब कार्तिक आर्यन ने अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में एक्टर से उनके रिश्ते में होने के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मैं पिछले एक साल से सिंगल हूं। जबकि लाइव ऑडियंस को उनके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। भूलभुलैया 2 एक्टर ने अपनी मां के कॉल की आखिरी डायल दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाया। कार्तिक और सारा ने इम्तियाज अली की बनाई गई फिल्म लव आजकल 2 के साथ फिल्म की और वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, पर उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने पसंद किया। उनके अलग होने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। जबकि सारा केजोस के द्वारा कार्तिक के साथ अपने रिश्ते की स्थिति का खुलासा करने से बहुत खुश नहीं थी। एक्स लवर को हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी में भी देखा गया था। वे एक दूसरे के साथ बेहद मैनर्स के साथ बिहेव करते नजर आए, जिसे पता चलता है कि उनके बीच कुछ भी खटास नहीं है। जबकि हाल ही में एक डिनर डेट पर शुभमन गिल इंडियन क्रिकेटर के साथ उनका वीडियो वायरल होने के बाद सारा ने सुर्खियां बटोरी और उनके रिश्ते की अफवाहें उड़ी। प्रोफेशनल नोट पर बात करें तो कार्तिक कृति सेनन के साथ अपनी अगली फिल्म शहजादा का वेट कर रहे हैं और जबकि सारा विकी कौशल के साथ लक्ष्मण उटेरकर की अनटाइटल में नजर आएंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।